बैठे ना पप्पू। हाँ बेटा, कहाँ चली गई थी? बैठो। इस तरह भी घर छोड़कर जाता है भला। कमाल ने कितने फोन किए तुम्हें, लेकिन तुम्हारा फोन ही बंद था। अच्छा, अब तुम आयजल के साथ पार्लर चली जाओ। कमाल से तो मैंने बहुत कहा था कि आयजल की किसी दोस्त को भेज दे, लेकिन कमाल को किसी पे भरोसा नहीं। जी ऑब्वियसली इरसा ने भी तो तैयार होना है ना। अरे हाँ, ये तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और आपके कपड़े कहाँ हैं? देख लेना तुम। काश मैं आयजल को बता सकती, उसे रोक सकती। जो वो करने जा रही है वो ठीक नहीं है। उसकी ये खुशी अधूरी रह जाएगी, उम्र भर का रोग बन जाएगी। अगर मेरी बात का वो यकीन नहीं करेगी, वो यही समझेगी कि मुझे उसकी खुशियां बर्दाश्त नहीं है। काश मैं आयजल को बता सकती। एक्चुअली आदत है ना उसकी, जो चीज पसंद आ जाए फिर उसके बारे में कोई नेगेटिव बात वो सुनती नहीं, और दानिश से तो मोहब्बत हो गई है उसे। वैसे कैसा लगा है दानिश तुम्हें? मानता हूं आयजल कभी कभार कुछ ऐसा कह जाती है जो उसे नहीं कहना चाहिए, उसके लिए मैं वाकई तुमसे सॉरी कहना चाहता हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, देखो बेटी है, इकलौती है, लाडली है, और सबसे बढ़ के अब तो थोड़े दिन की मेहमान है। बस मैं तुमसे एक दरखास्त करना चाहता हूं कि एक मां बनकर आयजल की शादी के इंतजाम जो है वो संभाल। तुम्हें हेल्प करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। आ जाओ। अरे आप कौन? पापा। कैसी लग रही हो तुम? ये डिफरेंट। माशाल्लाह।
संभालो भाई अपनी फ्रेंड को। इतना टाइम लगा दिया तुमने तैयार होने में। अच्छा सुनो, कुछ खाना है? आप मंगवा लें कुछ, ये तो मना करती रहेगी। सैंडविचेस मंगवा लें। कमाल, तुम इतनी प्यारी क्यों लग रही हो? कुछ किया है तुमने? कुछ डिफरेंस है आज, मतलब तुम बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत प्यार आ रहा है तुम पे। सीरियसली लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और शिराजी क्या हो गया, क्या कर रहे हो? ओ भाई, मेहमान आने शुरू हो चुके हैं, अभी तक अरेंजमेंट्स पूरी नहीं हुई हैं यार। 20 दिन पहले से कहा हुआ है ना मैंने। नहीं, सुनो, 5 मिनट है तुम्हारे पास, सिर्फ 5 मिनट। 6 मिनट के बाद मैं शक्ल नहीं देखूंगा तुम्हारी कभी भी। हाँ, खत्म करो काम सारा। ओके कमान, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? ओफो, तुम लोगों के रोमांस खत्म नहीं हो रहे, बाहर सब इंतजार कर रहे हैं, मेहमान। चलो तुम मेरे साथ। हाँ, असल में आइजल को अभी अंदर ड्रॉप। अस्सलाम वालेकुम मिनिस्टर साहब। सर आप आ गए? मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल मैं आ रहा हूँ। चला गया वो, चलो तुम मेरे साथ। अब अशर, जुनेद कहाँ है? जुनेद तो मेरे ख्याल से कैनेडा गया, उससे बात हुई थी मेरी, लेकिन अशर पता नहीं नेपाल में क्या कर रहा है। ये लोग हमेशा यही करते हैं। इनसे नहीं बात करूंगी मैं, अब मेरी शादी है। तो मैं भी तो तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं भी तो आई हूँ तुम्हारी शादी पे। ये तो कोई पानी का भी नहीं पूछ रहा है, पानी का बोलो किसी को प्लीज। अच्छा रिलैक्स हो जाओ, मैं लेकर आती हूँ तुम्हारे पानी। हेलो, मैं तो कब की वापस आ गई हूँ सैलून से। तुम बताओ, तुम बारात लेकर कहाँ तक पहुंचे? दानिश, यहाँ पे सारी तैयारियां हो गई हैं, आ भी जाओ, सिर्फ बारात का वेट हो रहा है। एक मिनट होल्ड करना। अब वो मैं कमाल को देखने आई थी कि कहीं वो कमरे में तो नहीं है। झूठ की भी हद होती है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको उनसे बात करते हुए देखा है। अचानक से पापा ऊपर आ जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। जो बात करने आई है वो बात करें। नहीं कुछ नहीं। हेलो, कुछ नहीं, वो यू नो मावा थी। तुम आ भी जाओ, अब सब वेट कर रहे हैं। मजाक नहीं करो, एवरीबॉडी इज वेटिंग, कम ऑन जल्दी। ऑलराइट, आई लव यू टू, बाय बाय।
लाश यहाँ से निकल रही है। तुम्हारा मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन यहाँ से दिखाओ। ये हो गई फिक्स, तो इतनी प्यारी लग रही हो ऐसे। थैंक यू। तुम्हें आवाज आ रही है? मुझे लगता है तुम्हारी बारात आ गई। रुको मैं देख कर आऊं। तुम्हारी बारात आ गई, आ जाओ। Looking really good. मुझे तो देखने दो, तुम्हें कुछ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। ये दो टके के फूल देके तुम शोहरों को लगता है कि दिल की बात बनवा लेंगे?
इन्हें देख के खुशी नहीं हो रही तो पहन कर क्या करूंगी? तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ, तुम मुझे कहो ना, मैं लाके देता हूँ तुम्हें। बोलो क्या चाहिए? आजादी। बेटा तुमने अम्मी को इर्सा से मिलवाया? नहीं अम्मी, मैं भूल गई, आप मिलवा दीजिए। चलिए आए, चले आए। चलिए, आपका बड़ा अच्छा ओकेजन रहा है। माशाल्लाह। इर्सा, बेटा ये महक की अम्मी है और ये इर्सा कमाल की। माशाल्लाह बड़ी प्यारी है। बेटे शादी से पारे को के ना हमारे घर जरूर आना, लेके आइएगा इसको। जरूर इंशाल्लाह। आइए आपको और मेहमानों से मिलवाते हैं। आइए। कमाल से बात करने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगी, फिर क्या करूं? क्या हुआ? अब सब खैरियत है? तुम्हारी तबीयत जो मैं समझ रही हूं कहीं वो बात तो नहीं है? इर्सा ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत मुबारक हो तुम्हें। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? तुमने साहब को बताया? इस वक्त साहब को यह बताना जरूरी नहीं है। अरे लेकिन क्यों? उन्हें कुछ और बताना जरूरी है। क्या इससे ज्यादा जरूरी और क्या है? अनु दानियाल बहुत बड़ा धोखेबाज है, उसने ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद किया। मगर मैं उसे आइजल की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। मुझे कमाल को सब कुछ सच बताना है। और तुम्हारा बच्चा, उसके बारे में सोचा है तुमने? जब तुम साहब को सब कुछ सच सच बताओगी, वो सबसे पहला सवाल तुम्हारे बच्चे के मुतालिक क्या करेंगे तुम्हें अंदाजा है? जानती हूँ। फिर भी हाँ, मगर सच तो बताना है ना। तुम्हें क्या लग रहा है इर्सा, तुम सब कुछ सच बता के साहब की मदद कर रही हो? नहीं, इतने सारे मेहमान आए हुए हैं नीचे, उनकी कितनी बेइज्जती होगी। उनकी बेटी की बारात वापस चली जाएगी, लोग उनकी बीवी के बारे में सवालात करेंगे। तुम सोच क्या रही हो? यही सवाल, इन्हीं सवालों की वजह से मैं आज तक हिम्मत नहीं कर पाई उन्हें सब कुछ सच बताने की। यही सोचती हूँ कि अगर उन्हें बता दिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, जब आइजल को शादी के बाद दानिश की सारी असलियत के बारे में पता चलेगा तब भी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा ना। अगर कमाल को पता चला मैं सब कुछ जानती थी, उसके बावजूद भी मैंने उनकी बेटी की जिंदगी को नहीं बचाया, तो जानती हो क्या होगा? तब भी सब कुछ बिखर जाएगा। तो इससे अच्छा नहीं है कि आज बिखर जाए। मुझे कमाल को सब कुछ सच बताना है, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, अगर मैं आयसल की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगी। देख लो वर्षा, एक दफा फिर सोच लो, कोई बेवकूफी की हरकत मत करना।
सोच लिया है बानो, कुछ भी हो जाए हाइसल की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगी। इरशा, सॉरी पप्पू, इरशा कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। अरे बेटा यही होगी, वो उठती है सामने में, इधर उधर ढूंढता। फिर सॉरी, एक्सक्यूज मी, दो मिनट सिर्फ ले सकता हूँ? थैंक यू। इरशा एक मिनट, तुम हो कहाँ? तुम मेरे साथ रहो ना। कमाल, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? मुझे आपसे दानिश के बारे में बात करनी है। निकाह हो जाए फिर उसके बाद कर लेना जो भी बात है। नहीं कमाल, मुझे आपसे अभी इसी वक्त बात करनी है, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। प्लीज आप अभी इसी वक्त मेरे साथ कमरे में चलें, मुझे आपको कुछ बताना है। इरशा, 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 क्या क्या ऐसी बात है? मेहमान आए हुए हैं, बुरा लग रहा है इस तरह से हम यहाँ आके बातें कर रहे हैं। हमें इस वक्त वहां पे होना चाहिए, जल्दी बात बताओ ताकि क्या बात क्या है? अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, बल्कि जुर्म हो गया, तो क्या आप मुझे माफ करेंगे? कैसा जुर्म, कैसी गलती? मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया, मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे हो गया। शायद हालात ऐसे हो गए थे कि मैं बेबस हो गई। मुझे लगा जो हो रहा है वो गलत नहीं है, और जब एहसास हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। आप मेरे शौहर थे, मुझे सिर्फ आपसे मोहब्बत करनी चाहिए थी, किसी और की तरफ आंख उठा के देखना नहीं चाहिए। मगर मैं बह गई, मुझे मोहब्बत हो गई। मुझे माफ कर दे, मुझे प्लीज माफ कर दे, मैंने आपके साथ बेवफाई की है, मैं आपकी गुनहगार हूं। कौन है वो? कौन है वो? दानिश। ये क्या कह रही हो इरशा? तो दानिश ही है वो। मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता मैं कब आपसे मुतनफर हो गई और इसकी मोहब्बत के जाल में फंस गई। अब ये सब कुछ क्यों बता रही हो मुझे? क्योंकि पहले मैं उसकी सच्चाई नहीं जानती थी, मगर अब मैं उसके बारे में सब कुछ जानती हूँ। वो एक बहुत बड़ा धोखेबाज है, ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है उसने। मैं ये सच आपको पहले भी बता सकती थी, मगर मुझे डर था कि आप मुझे अपनी जिंदगी से निकाल देंगे। जब मुझे पता चला कि आइजल भी उस लड़के से मोहब्बत करती है, तो मैंने सोचा कि मैं उसे भूल जाऊंगी,
और आपके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। मगर अब एहसास हो रहा है कि आइजल ने गलत इंसान से मोहब्बत किया है। प्लीज उसे बचा ले। आपको मेरे साथ जो करना है कर ले, मुझे उसकी परवाह नहीं। मुझे छोड़ना है, मुझे मारना है, जो करना है कर ले, मगर प्लीज आइजल की जिंदगी बचा ले। वो लड़का अच्छा इंसान नहीं है, वो आइजल के लिए सही नहीं है। प्लीज आइजल को बचा ले, ये शादी रोक दे प्लीज।